अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ घर पर पनीर कैसे निकालते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, कपड़ा चाहिए, आधा कप पानी चाहिए और विनेगर चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे पनीर निकलता है। तो इसके लिए हमने जो दूध है वो बर्तन में निकाल लिया है और अब हम इसे गैस पर बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हम इसे गैस पर ऐसे रख देंगे और देखिए गैस पे हमने इसे रख दिया है। अब हम इसके बाद दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो जो हमने आधा कप पानी लिया था, हम उसमें 3 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। हम इसमें विनेगर इसलिए ऐड कर रहे हैं पानी में ताकि हमें ज़्यादा विनेगर का यूज़ ना करना पड़े। ये देखिए, ऐसे हम इसमें 3 चम्मच मिला लेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम उसमें 2-2 चम्मच करके विनेगर ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हम इकट्ठा इसे नहीं डालेंगे वरना दूध फटेगा नहीं। ये प्रोसेस हम 4 से 5 बार करेंगे। अगर आपको थोड़ा और टाइम मिलता है तो आप 6 से 7 बार भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करने के बाद ये दूध फट जाएगा और इसे हम छान लेंगे। इसमें ऐसे कपड़ा रखेंगे और इसे ऐसे छन्नी में छान लेंगे, इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे। अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि इसका जो भी खट्टापन है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसे कपड़े से ऐसे दबा कर इसका जो भी पानी है वो निकाल देंगे, इसका जितना भी स्टॉक है वो निकाल देंगे। और इसे एक प्लेट में रख कर किसी ढक्कन से दबाकर इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख देंगे, ये भारी चीज़ रख देंगे जिससे इसका पानी ड्रेन हो जाएगा। और फिर 5 से 6 घंटे के बाद हम इसे चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी पनीर कैसी बनकर रेडी हुई है। हमने 1 लीटर दूध लिया था तो जिसमें हमें 200 ग्राम लगभग पनीर तैयार हुई थी हमारी। ये पनीर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपका पनीर ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बना था ये। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।